इस वीडियो में बात करेंगे जॉब रहने वाली है एस्ट्रिया एस्ट्रीज गाइस कंपनी में ऑफिशियल वेबसाइट है ये गाइस, जहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको जॉब दिखा देता हूँ गाइस, आप चैनल पे बाकी वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पे आपको और वीडियोस मिल जाएंगी, जॉब्स मिल जाएंगी जो यहाँ पे आप अप्लाई करते हो। यहाँ पे हम नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन पोजिशंस, तो सभी जॉब्स यहाँ पे आ जाएंगे जो इस कंपनी में ओपन है। तो एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों ही जॉब रहने वाली है, पहली जॉब ये रहने वाली है, 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है, इनको आप चेक कर लेना। मैं आपको फ्रेशर जॉब भी दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे गाइस इंटर्नशिप रहने वाली है, इंटर्न चाहिए गाइस इनको सिस्टम इंजीनियर, तो इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये भी आप देख सकते हो, इनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो पहली जॉब रहने वाली है ये है गाइस इंटर्न की, सिस्टम इंजीनियरिंग बैंगलोर स्किलकेशन है, फुल टाइम ही रहने वाली है, 0 ईयर एक्सपीरियंस फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है। अप्लाई का ऑप्शन ये मिलेगा अगर अप्लाई करना चाहते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन ये लिखी है गाइस, इसे पढ़ सकते हो अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहने वाली है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ नीचे क्या लिखा है गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस क्वालिफिकेशन बी बी टेक इन एरोस्पेस मैकेनिकल ई सी ई और रेवलेंट इंजीनियरिंग फील्ड। अगर आप प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है इनमें आपको तो एडवांटेज मिलेंगी, लेकिन गाइस अगर आपने बी बी टेक की हुई है एरोस्पेस मैकेनिकल ई सी और भी गाइस ब्रांचेस एलिजिबल है वो भी अप्लाई करते हैं इसमें। ये गाइस स्किल्स वगैरह रहने वाली है, अप्लाई का ऑप्शन ही रहने वाला है। नेक्स्ट आपको जॉब दिखा दूंगा, इसके बाद गाइस नेक्स्ट रहने वाली है, इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे एक और है इंटर्न इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, इसको भी दिखा देता हूँ गाइस। ये ओपन हो चुकी है, इसमें फुल टाइम गाइस बैंगलोर लोकेशन रहने वाली है, फ्रेशर यहाँ पे भी एलिजिबल है। तो इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप आओगे तो बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल मैकेनिकल और अदर एप्लीकेबल इंजीनियरिंग फील्ड, मतलब बी बीटेक एलिजिबल है, ये वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो गाइस यहाँ पे लिटरेट रहने वाले इसका जॉब के, और 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है, फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से अप्लाई करते हो अप्लाई फॉर दिस जॉब। मैं आपको सैलरी भी बता दूंगा कितनी इसकी सैलरी रहती है। तो गाइस इसके बाद जो जॉब रहने वाली है वो एसोसिएट इंजीनियर 1 इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, तो ये फ्रेशर जॉब रहने वाली है। यहाँ पे इससे फुल टाइम बैंगलोर लोकेशन है, यहाँ पे 1 और less than एक्सपीरियंस रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बी बी टेक या फिर एम ई एम टेक की होनी चाहिए, एरोनॉटिकल मैकेनिकल अदर एप्लीकेटिव इंजीनियरिंग फील्ड, मतलब वो भी एलिजिबल है, बी बी टेक से भी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपको गाइस इनकी नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर लेना, इलेक्ट्रिकल वाले भी मैकेनिकल वाले तो हैं ही, एरोनॉटिकल वाले भी हैं, एरोस्पेस वाले भी अप्लाई कर लेना। 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है, वो भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसे पढ़ लेना गाइस अप्लाई करने से पहले, अप्लाई का ऑप्शन ये मिलेगा। इसके बाद गाइस और जॉब भी बताता हूँ आपको जो इसमें रहने वाली है, यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो गाइस और जॉब्स काफी हैं, यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स रहने वाली है, पहले की भी हैं, अगर जिन्होंने इनमें अप्लाई नहीं किया इनमें आप अप्लाई करते हैं। जूनियर इंजीनियर की जॉब अभी भी ओपन है यहाँ पे, जैसे जूनियर इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल में, क्योंकि फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई करता है। और यहाँ पे देख सकते हो काफी जॉब्स रहने वाले, डिप्लोमा वालों के लिए भी है बीच में जॉब्स, वो भी अप्लाई करते हैं। तो इसकी आपको सैलरी बताता हूँ, इस कंपनी में कितनी सैलरी रहती है गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे गाइस एस्ट्रिया एरोस्पेस के लिए आपकी अगर सैलरी रहती है, यहाँ पे देखते हो अगर आप क्वालिटी इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो मिनिमम 3.5 लाख का पर एनम आपका पैकेज रहता है, अगर आप एसोसिएट इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो तो गाइस 4 लाख का पैकेज रहता है, मतलब कि आपकी अगर सैलरी यहाँ पे 3.5 लाख से पैकेज आपका 4 लाख तक रहने वाला है, जो कि गाइस 25 से 40 हज़ार तक आपकी सैलरी रहने वाली है इस कंपनी में अगर आप इसमें अप्लाई करते हो एज ए इंजीनियर। थैंक यू गाइस, इतना ही हो जाए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस।